डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 47। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक लास्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ, और अब हम लोग इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे। एक्सरसाइज 47 में लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो 21 में क्या कह रहा है, ए बॉटल वैन फिल्ड टू 0.75 ऑफ इट्स कैपेसिटी कॉन्टेंट्स 234 ग्राम। एक बोतल भरा हुआ है, इतना पार्ट उसका भरा हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, इतना पार्ट भरा हुआ है। तो इतना भरने का मतलब है कि इतना ग्राम वो भरा हुआ है, ऑफ फ्रूट जैम से भरा हुआ है। हाउ मच जैम विल इट कॉन्टेन इफ कम्प्लीटली फिल्ड, अगर जैम को उस बोतल में पूरा भर दिया जाए, बोतल को पूरी तरह से भर दिया जाए, तो फिर वो कितना ग्राम जैम उसमें आएगा, मतलब बोतल की कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी उसको निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे सबसे पहले उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द, जो कैपेसिटी हम लोग को निकालना है, टोटल कैपेसिटी, लेट द कैपेसिटी ऑफ द बोतल ऑफ द इक्वल टू एक्स, अभी हम लोग को मालूम नहीं है, तो एक्स हो गया इसका कैपेसिटी। अब ये कितना भरा हुआ है, ठीक है, इसको लिखते हैं। नाउ इट फिल्ड विथ, मतलब भरा हुआ है, फिल्ड अप 0.75, इतना भरा हुआ है किसका, इसका है, टोटल का। तो ऑफ लिख देते हैं, ऑफ एक्स, एक्स का इतना भरा हुआ है। तब क्वेश्चन में इतना का मतलब दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे, इस तरह से हो जाएगा 0.75 ऑफ एक्स इक्वल टू जितना दिया हुआ है 234, ठीक है, इतना ग्राम हो गया। तो इसका मतलब है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 0.75 इंटू एक्स इक्वल टू 234। अब एक्स जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे, इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 234 बाय 0.75। अब ये पॉइंट को हटाएंगे हम लोग, तो पॉइंट को हटाएंगे तो दो डिजिट है, इस पर यहाँ पे दो जीरो लग जाएगा, तो यहाँ 234 पे दो जीरो लगा देते हैं, ये हो गया, और यहाँ पे आ गया 75। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं या काटते हैं, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम काटते हैं, 5 से एक कट रहा है तो इसको 5 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5 1 जा 5, यहाँ बचिए 2, तो 5 5 जा 25, 15 बार में कट गया। और यहाँ पे 23 है तो 5 4 जा 20 हो गया, और यहाँ बच गया 3 34, इसका मतलब है 5 6 जा 30 हो गया, उसके बाद 4 बच गया यहाँ 0 40, तो 5 8 जा 40, और ये 0 बच गया, तो ये हो जाएगा, ये 5 से इतना कट गया। अब फिर जो है ये 5 से अभी भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 5 3 जा 15 हो गया, और 5 9 जा 45 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ 1 बच गया, 18 हो गया, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 0 30 होता है, 5 6 जा 30, ये हो गया, ये 5 से इतने बार में कट गया। अब यहाँ पे 9 6 15 होता है, 15 और 3 18, मतलब है कि ये 3 से कटेगा, तो 3 से इसको काट लेते हैं, 3 से कट जा रहा है तो काटते हैं इसको, 3 3 3 जा 9 हो गया, और 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6 कट गया, इसका मतलब है कितना आया, 312 ग्राम। ये जो है बोतल की कैपेसिटी हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ बोतल, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ बोतल इक्वल टू 312 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पे क्या कह रहा है, नेहा स्ट्रिंग्स 1.65 ग्राम ऑफ बिट्स, मतलब स्ट्रिंग्स मतलब लपेटना होता है, वो गोला जो बनाया जाता है धागे का वो होता है, तो स्ट्रिंग्स वो बनाई है, बिट्स गोला बनाई है, और उसका वजन जो है इतना है,
1.65 ग्राम्स, उसके बाद द वेट ऑफ इच बिट्स इज इतना ग्राम, तो एक बिट्स जो एक गोला का वजन जो है इतना है 0.055। हाउ मेनी बिट्स डज सी स्ट्रिंग्स, तो उसने कितने गोले बनाए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे टोटल वेट ऑफ बिट्स जितना वजन है पूरा उसको लिख लेते हैं। द टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ बिट्स जितना भी बिट्स है इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.65 ग्राम, ठीक है। अब एक बिट का वेट कितना है, वेट ऑफ इच बिट इक्वल टू 0.055 ग्राम इतना, तो नंबर ऑफ बिट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू 1.65 बाय 0.055। इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट जो है इसको हटाते हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ थ्री डिजिट है तो ये तीन बार इधर चलेगा, तो यहाँ पे 165 यहाँ एक जीरो लगाएंगे, यहाँ था तो 1, 2, 3 तीन बार हो गया, और ये हो गया 55, इसमें से पॉइंट हट गया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इसको काट लेते हैं, ये कट रहा है तो 5 से कट रहा है, इसको काटते हैं, 5 1 5 5 1 5 11 बार में कट गया। अब यहाँ पे कट रहा है 5 3 15, तो यहाँ 1 बच गया, और फिर 5 3 15 15 ये कट गया पूरी तरह से, यहाँ तो 0 हो गया, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये कट गया। अब जो है 11 से ये कट जाएगा, तो 11 3 33, और ये 0 है तो 0 यहाँ पर रह जाएगा, ये कट गया, मतलब कितना आया 30। इसका मतलब है नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स की संख्या कितना है 30, इसका आंसर हो जाएगा 30। कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज 47 जो है पूरी तरह यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहें।